देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। मथुरा वृंदावन महानगर में हरियाली तीज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कमर कस ली है। एसएसपी और एसपी ट्रैफिक सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने वृंदावन का भ्रमण भी किया। वृंदावन का भ्रमण कर हरियाली तीज मेला की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देश विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। यातायात व्यवस्था को लेकर दूरस्थ टेम्पो और ई रिक्शा पर लगेगी लगाम। यातायात व्यवस्था और टेम्पो एवं ई रिक्शा चालकों पर नकेल कसने को व्रज यातायात पर्यावरण समिति के संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय भगवताचार्य डॉक्टर मनोज शास्त्री, प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित, मुख्य महासचिव मनीष दयाल, महासचिव मोहन श्याम शर्मा, मीडिया प्रभारी हेमंत अग्रवाल, स्वामी राम वल्लभ शर्मा, राहुल शर्मा, हरि बाबू सम्राट, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिल समस्या के निदान की बात कही। वृंदावन में पूर्ण रूप से एंट्री व्यवस्था होगी लागू। स्थानीय लोगों के बनेंगे वाहन पास। हरियाली तीज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को कसी कमर। एसएसपी और एसपी ट्रैफिक सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने वृंदावन का भ्रमण भी किया। वृंदावन का भ्रमण कर हरियाली तीज मेला की सुरक्षा का भी जायजा लिया। देश विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी नजर रखी जाएगी। आज हम लोग सभी सामूहिक रूप से वृंदावन और मथुरा के जो नागरिक हैं, वो आज हम सभी लोग ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जागरूकता समिति के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी कप्तान साहब से एवं यहाँ के स्थानीय सीओ साहब एवं कोतवाल साहब से मिले हैं और उनको हमने ये निवेदन किया है कि क्योंकि अब हरियाली तीज निकट है, श्री बांके बिहारी का एक वार्षिक बहुत दिव्य उत्सव होता है जिसमें लाखों लाखों जनता यहाँ पर दर्शन के लिए आती है, तो उनको कोई कष्ट न हो और यहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखते हुए, सुचारू रखते हुए और कोई तरह से उन लोगों को दिक्कत न पड़े, उसकी भी हमने उनसे बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्सव तो खाली एक दिन का है, उसके बाद पूरा श्रावण का झूलनोत्सव चलता है। जगह जगह रासलीलाएँ हैं, जगह जगह कथाएँ हैं, जगह जगह उत्सव हैं। उसमें जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर अपनी जगह पर आने में कोई दिक्कत न पड़े, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने वाहन की आरसी और सब अपने आईडी दे करके अपना पास जारी करवा लेंगे, उनको किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पर जिला शासन का सहयोग करेंगे और यहाँ जिला शासन हमारा सहयोग करेगा, इसी कल्पना से, इसी कामना से हम सभी लोग यहाँ पर आज मिले। आप बताएं तीज की तैयारी को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है, हरियाली तीज की व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? जी, यहाँ पे ट्रैफिक को हम लोग सबसे पहला, हमारा जो उद्देश्य है कि हम पार्किंग को और सुलभ बनाएँ और ख़ासतौर पर यहाँ जो पीक डेज होते हैं, जनरली सैटरडे संडे को जो है श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक रहती है और जैसा आपने बताया कि अभी हरियाली तीज आने का है, अगले ही वीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था करनी, बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ किन किन बैरियर्स तक गाड़ियाँ रोकनी हैं, उसके बाद कहाँ तक ई रिक्शा लेके आने, ई रिक्शा के कलर को भी हम लोग कर रहे हैं, पार्किंग के हम लोग जो रेट हैं उसके मानक को इन्फोर्स कराएंगे, साथ ही साथ जो बैरियर्स हैं उसके आगे कोई व्हीकल लेके ना आए उसके लिए ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट होना, खासतौर से इन्फोर्समेंट इन दी सेंस कि अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो उसके ऊपर चालान होना, ट्रैफिक के क्लेम्स रखना, ताकि जो आम श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहा है, परिक्रमा मार्ग पर जा रहा है, वो जाम इत्यादि चीज़ों से परेशान ना हो। साथ ही साथ जो यहाँ की लोकल एजेंसीज जो यहाँ पे रहते हैं उनको हम लोग पासेस इशू करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं ताकि उनको कोई दुविधा ना हो उनके आने जाने के टाइम पे। बाकायदा उसके अंदर हम लोग का प्रयास होगा प्रोग्राम के साथ में उनको आधार कार्ड से लिंक करते हुए पासेस इशू करें। तीसरी चीज़ जो आएगी हरियाली की, उस वक्त मूवमेंट पब्लिक का बहुत होगा, तो साथ ही साथ क्राइम को लेकर कि कोई उस वक्त कोई घटना चोरी की या इस तरह की चुनौती की अतिरिक्त
हरियाली तीज के लिए कितनी फोर्स तैनात की जाएगी? अभी फोर्स बाहर से हम लोगों ने मांग पत्र भेजा है, उसके सापेक्ष में फोर्स मिल गई है, कुछ उधर नहीं है, और क्योंकि इसको पूरी व्यवस्था के साथ में किया जाएगा, और इसलिए कल मेरे द्वारा पेट्रोलिंग की गई थी, आज भी हम लोग के द्वारा इसमें और डेली बेस पर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे कि इसमें हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो धरातल पर कितना हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बाकी मेरी जो दर्शन का समय उसको बढ़ाया गया है कुछ? नहीं, अभी ऐसी बात नहीं, तो इनका इसके ऊपर हम लोग करेंगे, अगर इसके अंदर आवश्यकता होगी तो हम लोग और जिलाधिकारी मंत्री से इसके ऊपर मंत्रणा करके जो संबंधित है उनसे बात करें। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ